गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती के पूरे जिले में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने ध्वजारोहण किया तथा महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्या अर्पण किया और उसके बाद गांधी जी व शास्त्री जी के जीवन संघर्ष, उनकी देश सेवा, उनके जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा एवं नई गति देने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अतुलनीय योगदान है। सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से उन्होंने सभी वर्गों में आज़ादी की लौ को प्रज्वलित किया। देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक एकता के माध्यम से महात्मा गांधी ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। ये दिन हम सबको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों, सिद्धांतों व उनके सदी विचारों को अपनाने के साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलने का सुअवसर प्रदान करती है। शास्त्री जी ने अपने कर्म से पूरी मानवता को रास्ता दिखाया, जिसका अनुसरण भारत के साथ साथ अन्य महाद्वीप के देशों ने भी किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अवज्ञा आंदोलन का अनुसरण किया और मानवता को राह दिखाई। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा राष्ट्रगान गाया। उन्होंने महात्मा गांधी व शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों ने भी गांधी जी और शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक याद किया। इस अवसर पर एडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने बापू की प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम वैष्णव जन तेने कहिए प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी ने सभी कलाकारों को पुरस्कृत भी किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा, भज प्यारे तू सीताराम।
भैया अरे भी आगे बताइएगा यार। अरे यार दुर्गेश पागल नहीं ना हो। अरे यार सर एक मिनट। हेलो, आप सबसे आग्रह है स्वच्छता की ज्योत जागीर। नदी को आज बहाना है। स्वच्छता की ज्योत जागी है। स्वच्छता की ज्योत जागी है। स्वच्छता की ज्योत जागी है। जो पहले तो आइए इसमें
सिलेक्शन होता है, हम लोग अकेडमी के नाम ही लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है। इनका मूर्ति से ही प्रणाम करके अंदर जाते हैं। इन्हीं की जो सरलता स्वभावता और जो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है वो हम लोग को सीखा जाता है। उसी के एक तरफ ये प्रेरणा है हम लोग के लिए, भगवान के रूप से वहाँ रखा हुआ है। एंड मैं भी चंदौली में कभी पोस्टिंग था सीडीओ, उनके घर जाने के लिए मुझे मौका मिला। फिलहाल अभी उसका जो म्यूजियम के रूप में, संग्रहालय के रूप से कन्वर्ट हो रहा है, बट पहले उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था यही घर है। हम ढूंढ ढूंढ करके गली में गए थे, कहाँ घर है कहाँ घर है। बहुत बिल्कुल खंडर टूटी फूटी मकान है उस पर, वो कहते तो वही रहते थे इस पर। इनका बाल बच्चे भी वही है, छोटा मोटा नौकरी कर रहे थे, अभी तो आगे तो फिर होता है तो आगे। एंड ये जो एडीएम साहब बता रहे थे ये सच है। वो जो उनका विद्यालय गांव का और विद्यालय के काफ़ी दूर है, बीच में नदी बहती थी, इन्हें तैरते हुए जाते हैं, बहुत समय तैरते हुए जाते थे और उसी की वजह कमज़ोर भी पड़ गए हैं। उनको निमोनिया आया है, तमाम बीमारी से ग्रस्त थे, फिर भी तो छोड़ा नहीं। संघर्ष आदमी है जो तब तक पढ़ाने के लिए उनको अंदर ताकत था पूरा पढ़ाया, उसके बाद तब आज़ादी के बाद आया तो फिर आज़ादी में भी उतने ताकत से लगाए हूँ वाक्य। उसके बाद अस एडमिनिस्ट्रेटर भी साबित कैसे सरल स्वभाव से, उनके समय से जो जय किसान जय जवान का नारा था, उसके बाद हरित क्रांति में कितने घटनाएं आई थी शुरुआत में, उनने घोषणा किया जो हम लोग सभी भारतवासी एक समय का खाना छोड़ दो, मतलब तो छोड़ने के लिए भी तैयार है उस समय में, इतने इंस्पिरेशन व्यक्ति था वो। और वो उन्हीं के समय में हरित क्रांति के नाम से अभी देखिए तो हम लोग 125 करोड़ आबादी है, बट कहीं खाने के लिए कोई समस्या नहीं। उसको शुरुआत उन्हीं ने किया, हाइब्रिड वैरायटी दूर दूर से लाया, उसके बाद फिर उसको इंट्रोड्यूस किया साइंटिस्ट के माध्यम से, वो धूल पकड़ा तो अभी वो समस्या है ही नहीं। वो आगे समस्या और जो भी है वो चलता रहेगा। महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व बारे में तो सुने हैं बहुत आप, तो बार बार दोहराने के लिए वो नहीं है। दो तीन कहानी जो इनका किताब में लिखा हुआ है वो मैं आपसे सुनाने चाहता हूँ, और आप एक तो पहले भी सुन चुके होंगे। जो तब ये बापू जी अपने आश्रम में थे, एक माँ अपने बेटी के लेके आया, बेटा का कह रहे थे ये बहुत गुड़का रहा है, ये कुछ समझाइए, इनके दांत दिन खराब हो रहा है, कुछ खाता नहीं पीता नहीं। उसके बाद उन्होंने बताया चलिए तो 10 दिन के बाद आ जाओ अब तो फिर समझाता हूँ। उसी बात तब 10 दिन के बाद वो बच्चे के लेके आए, उन्हें समझाया बेटा देखो ये गुड़ तो खाली पेट में नहीं खाना है, तो पूरा दांत नुकसान हो जाता है, ज़्यादा मत खाओ, खाली खाने चाहते तो हल्की सी खाओ, वो भी 2 दिन के बाद एक बार खाओ। ये माता जी बुलाए ये चीज़ तो आप उसी दिन ही बता सकते थे। फिर उन्होंने बताया तो मुझे भी गुड़ खाने की आदत है, पहले मैं गुड़ खाने की आदत छोड़ूँ फिर तो मैं उसका दूसरा का जो एडवाइस करने की स्थिति पर रहूँ, तब खुद नहीं सुधर पाएंगे तो फिर दूसरा के कैसे सुधारेंगे। ये इनका मत था, ये वो बिल्कुल वेस्ट करने नहीं चाहते थे। हमेशा एक सुई रखते थे साथ में, तब चावल गाते थे, चावल कहीं फैल जाता है उसके बाद सुई से उसको लेके साफ करके उसको गाते थे। उनके कहना जो आदमी क्या ज़रूरत है, ज़रूरत से हिसाब से खाना नहीं चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से जो खाना है वो वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। आजकल देख रहे हैं तो कितने फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, तमाम चीज़ें तो बस उठा के फेंकते रहते थे बाहर। और जो उनका और एक है घटना, जो फल है जो तब बहुत कठिन फल होता है, उस समय में जेल में तब बंद होते थे उस समय का, उस समय में जो अभी तो आधुनिक जेल है अभी भी देख सकते हैं गोरखपुर का जेल में, अब उन्होंने लकड़ी 1932 के बाद ही ये संघर्ष चालू किए, बट मुश्किल से उनके पास 15-20 साल ही रहा तब तक हम आज़ाद पा चुके हैं। उसके बाद वो मामला पीछे चला गया ताकि केवल संविधान में आरक्षण का एक मुद्दा छोड़ के हम लोग पूरा छोड़ दिए चलो तो इससे हो जाएगा काम, बट उनका सपना पूरा हुआ नहीं। जो भी व्यक्ति है हम लोग के साथ है, भारत नागरिक है, वो हमारा भाई है। तब तक भाईचारा नहीं बनता है तब तक ऊपर नीचे ये जातिगत बात वातावरण छुआछूत ये चलता है, तो फिर उनका सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। आने वाले हम लोग का अंदर ही है, उसको जगाना जरूरी है। आपसे निवेदन करता हूँ, उनका प्रेरणा है एक साफ सुथरे रखना, और दूसरा हम लोग का साथी का प्यार करना, मित्रता बढ़ाना, ये हम लोग संकल्प लेते हुए करेंगे तो जरूर जल्दी से जल्दी महात्मा गांधी जी का सपना पूरा होगा। जय हिंद जय भारत। और बच्चे एक एक कर जाते बरोबर हजारीपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चे तैयार रहे।
आइए आओ बच्चों, आ जाओ आओ आओ, गांधी की भावपूर्ण भावभूषा में गांधी जी कैसे जाओ इन बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां की यहाँ पर। नेहरू युवा केंद्र के अक्रम और अब आइए जो जो फोटो खींचो खींचो आ जाइए अभी आ जाइए आइए। और इसी अवसर पर सभी वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण के लिए प्रमाण पत्र देने का निश्चय किया है। यह छात्रवृत्तियां वैसे ऑनलाइन बच्चों के खाते में जा चुकी हैं, लेकिन सांकेतिक रूप से शासन के ये निर्देश हैं कि बच्चों को पता नहीं चल पाता और वो बच्चे स्कॉलरशिप मिल जाती है फिर भी इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए शासन ने इस वित्तीय वर्ष से निर्णय लिया है इस तरीके के समारोह आयोजित करके जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से, मुख्य विकास अधिकारी के महोदय के माध्यम से, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से इस छात्रवृत्ति के भी प्रमाण पत्र वितरित किए जाएं। और इसी तालियां हम लोग एक बार बजा के इन बच्चों का उत्साह वर्धन करें। ध्यानानंद कॉलेज के बच्चे आ जाए। अमित कुमार इंटर कॉलेज की बच्चियां इकरा बानो, राफिया खान, ताहिरा बानो, आप सबका आप सबकी छात्रवृत्ति आपके अकाउंट में जा चुकी है, इसका सर्टिफिकेट है। चलिए राणा प्रताप के शरीफ अली आ जाए, महाराणा प्रताप के शाहिद अली। लाल बहादुर शास्त्री का जन्मस्थिति भी है जिस पर हम लोग कार्यक्रम मनाया, खासतौर पे गांधी जयंती का 150 साल पूरा हो जा रहा है, जन्म का 150 साल भी हम लोग मनवा रहे हैं। उस पर उनका प्रेरणा की सोच है कितने हैं, जो विचार हैं और आगे समूह के कैसे भारत को चाहते हैं वो, उसी पे करने में हम लोग ने अपील किया है। उस पर ईमानदारिता सत्यता के साथ हम लोग आगे बढ़े ताकि उनका पूरा सपना पूरा हो जाए, ताकि आधा अधूरा उनका रह गया, जातिगत बात के उनने लड़े थे वो रह गया था, सफाई और स्वच्छता के बारे में भी लड़े थे वो भी पूरा नहीं हुआ। ये दोनों को जिम्मेदारी हम लोग को कंधे पे लेना होगा ताकि महात्मा गांधी जी का सपना पूरा हो जाए। आज स्कॉलरशिप वजीफा जो इन लोग का खाता में हम लोग भेज दिए PSFMS में, उसी के अंदर जो कितने बच्चे हैं अलग अलग वर्ग का, थोड़ा टोकन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से किए हैं, बट बाकी लोग का पैसा खाता में पहुँचा दिए।